काइनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसे बहुत कम ही लोग जानते होंगे, और ये कंपनी 500 मिलियन डॉलर कंपनीज का पार्ट हुआ करती थी। हां जी, फ्रोदिया ग्रुप ऑफ कंपनीज का, जो कि वन ऑफ द पायनियर रहे हैं इंडियन ऑटोमोबाइल में, जैसे फोर्स मोटर भी इनके अंडर ही आती है। तो काइनेटिक की शुरुआत एच के फ्रोदिया ने 1972 में करी थी, और एच के फ्रोदिया को फाउंडर ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि फ्रोदिया ग्रुप बहुत सारी लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनीज के जॉइंट वेंचर में रहे हैं। बाकी आज इस वीडियो में हम काइनेटिक टू व्हीलर के एंटायर लाइनअप की बात करते हैं, क्योंकि इनकी कुछ बाइक्स और स्कूटर वाकई में लाजवाब थे। एंड उससे पहले ऑटोफिक्शन को सब्सक्राइब करें जरूर, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ, और आपके एक सब्सक्राइब से काफी मोटिवेशन मिलता है। काइनेटिक इंजीनियरिंग ने कई तरह के टू व्हीलर्स इंडियन मार्केट में लॉन्च करे थे अपने प्रोडक्शन पीरियड के टाइम, तो हम उनको फोर कैटेगरीज में सिंप्लीफाइड कर देते हैं, जैसे कम्यूटर, स्कूटर, मोपेड एंड स्पोर्ट्स बाइक। सबसे पहले इनकी काइनेटिक की लाइनअप में बात करते हैं कम्यूटर सेगमेंट की बाइक्स की। नंबर वन, काइनेटिक स्ट्राइकर। काइनेटिक स्ट्राइकर सिंपल साधारण सी बाइक थी जिसमें 97.2 सीसी का फोर स्ट्रोक इंजन था, लेकिन ये बहुत बुरी फेल्ड हुई हीरो होंडा स्प्लेंडर की सुप्रीमेसी की वजह से। ये 2006 में इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई थी। इसका 97.2 सीसी का इंजन 7.1 पीएस की पावर और 6.8 न्यूटन मीटर की टॉर्क रिलीज करता था। नंबर टू, काइनेटिक बॉस। ये थी काइनेटिक की एंट्री लेवल बाइक बॉस, और इस बाइक में वो सेम इंजन था जो स्ट्राइकर में था। ये 2004 में लॉन्च हुई थी इंडियन मार्केट में, और यहाँ तक कि इसे लेजेंडरी क्रिकेटर कपिल देव ने भी एंडोर्स भी करा था, और इसलिए हो सकता है आप में से कुछ लोग इसे पहचानते भी हों। नंबर थ्री, काइनेटिक वेलोसिटी। काइनेटिक की तरफ से ये अर्बन कम्यूटर 2003 में लॉन्च हुई थी इंडिया के अंदर। इसे सिटी बाइक के तौर पर काइनेटिक ने लॉन्च करा था, लाइक हीरो होंडा की पैशन और LML फ्रीडम जैसी बाइक्स के कंपटीशन में। और इस बाइक के अंदर 115 सीसी का इंजन था जो 8.3 हॉर्स पावर रिलीज करता था और 8.4 न्यूटन मीटर की टॉर्क, लेकिन कंपटीशन की वजह से ये बाइक भी इनकी कुछ खास नहीं चली। नंबर फोर, काइनेटिक चैलेंजर। काइनेटिक चैलेंजर एग्जिस्टिंग बाइक बॉस वाले प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड थी, हालांकि चैलेंजर 2001 में उससे पहले इंडिया के अंदर आई थी। चैलेंजर में वही 97.2 सीसी का फोर स्ट्रोक इंजन था, और आपको एक बात जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि काइनेटिक की पार्टनरशिप जापानीज कंपनी होंडा के साथ भी थी, जिसके कारण ये 100 सीसी वाला इंजन वही इंजन था जो आपको हीरो होंडा स्प्लेंडर में भी मिलता था। एंड बेसिकली चैलेंजर को अर्बन मार्केट के लिए बनाया गया था। इसकी प्राइस लॉन्च के टाइम थी 42,000 एक्स शोरूम दिल्ली, और इसके कंपटीशन में जो बाइक थी वो थी हीरो होंडा स्प्लेंडर, बजाज सिटी 100, बजाज BYX एटसेट्रा। फिर इसके बाद आती है काइनेटिक के स्कूटर्स। तो स्कूटर में सबसे पहले बात करते हैं नंबर वन, काइनेटिक ब्लेज। ब्लेज एक स्पोर्टी स्कूटर था अपने टाइम का। इसमें 165 सीसी का इंजन था, और इसका डिजाइन काइनेटिक ने इटालियन फेमस स्कूटर कंपनी इटाल जेट से लिया था। हाँ जी, इटाल जेट ड्रैक्सर के बारे में तो आपने हाल ही में ही सुना होगा। ये काफी हैवी बल्कि स्कूटर था जिसे टूरिंग के लिए बनाया गया था, क्योंकि इसकी सोफा लाइक सीट्स की बात ही अलग थी। और काइनेटिक की R&D टीम ने इसको हाईएस्ट मोटरेबल वे यानी खारदुंगला ले पास तक लेकर गए थे इसकी मार्केटिंग करने के लिए, और इसके रियर में काफी फंकी सा स्टिकर स्टॉक ही कंपनी की तरफ से आता था। हाँ जी, कैच मी इफ यू कैन। कैच मी इफ यू कैन स्टिकर इसके रियर में आपको दिख जाएगा, जो कि आपको थोड़ा बचकाना लग सकता है। बहरहाल ये उस टाइम का सबसे पावरफुल स्कूटर था जो बाइक्स को भी पीछे छोड़ सकता था। इसका 165 सीसी का इंजन 11.6 पीएस की पावर और 12 Nm की टॉर्क रिलीज करता था। इसको काइनेटिक ने 2006 में लॉन्च करा था, और उस वक्त तक इंडियन ऑडियंस इस टाइप के स्कूटर के लिए तैयार नहीं थी। नंबर टू, काइनेटिक 4S। काइनेटिक 4S फोर स्ट्रोक वर्जन था ओल्ड काइनेटिक होंडा स्कूटर का, जो कि पहले टू स्ट्रोक इंजन के साथ आता था। काइनेटिक 4S 2005 में लॉन्च हुआ था इंडियन मार्केट के अंदर, और इसमें 113.5 सीसी का इंजन था जो 7.3 पीएस की पावर और 7.7 न्यूटन मीटर की टॉर्क रिलीज करता था। नंबर थ्री, नोवा 135। काइनेटिक नोवा 135 वॉज अ गुड लुकिंग ऑटोमेटिक स्कूटर जो काइनेटिक की तरफ से आता था। इसमें काइनेटिक का न्यूली डेवलप 134.9 सीसी का फोर स्ट्रोक इंजन था जो 8.6 पीएस की पावर और 10 न्यूटन मीटर की टॉर्क रिलीज करता था। इसको काइनेटिक ने 2004 में लॉन्च करा था। नोवा 135 सेकंड वर्जन था, इससे पहले नोवा 113.5 सीसी के इंजन के साथ भी आता था। नंबर फोर, काइनेटिक जिंग 80।
काइनेटिक जिंग 80 डायरेक्ट कंपटीशन था टीवीएस स्कूटी का, और काइनेटिक की इस स्मॉल स्कूटर जिंग 80 में 71.5 सीसी का पावरफुल टू स्ट्रोक इंजन था जो 4.2 bhp की पावर रिलीज करता था। कंपनी ने इसको 2004 में लॉन्च करा था टीवीएस स्कूटी के कॉम्पिटिटर में। नंबर 5, नोवा। ये वही प्रीवियस वर्जन है नोवा 135 का। इस नोवा में 113.5 सीसी का 4 स्ट्रोक इंजन था जो 7.2 PS की पावर और 7.7 न्यूटन मीटर की टॉर्क रिलीज करता था। इसको कंपनी ने 2002 में लॉन्च करा था इंडियन मार्केट के अंदर। इसके बाद बात करते हैं इनके एक लौते मोपेट की। राधा जब मेडिकल में आई, जो सब चाहा ना कर पाई, समझदारी उसने दिखलाई, झटपट एक लूना अपनाई। चल मेरे लूना, लूना करती पक्का वादा, खर्चा कम मजबूती ज्यादा, हर ओर अब लूना भागे, राधा को रखे वो आगे, उससे पूछो क्या है राज, हंसकर वो कहती है आज, सफल अगर बनना है दूना, शान से बोलो चल मेरे लूना। सफलता की सवारी लूना। काइनेटिक K400 की, जो कि काफी पॉपुलर लाइटवेट कम्यूटर था अपने टाइम का। इसमें वही 100 सीसी का इंजन था, यानी 97.2 सीसी का इंजन जो 6 PS की पावर और 5.4 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता था, और इसका डायरेक्ट कंपटीशन था बजाज की M80 से। इसको काइनेटिक ने 1997 में इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करा था। अब बात करते हैं काइनेटिक की स्पोर्ट कैटेगरी की बाइक्स की। नंबर 1, GF लेजर। GF लेजर एक ग्रेट प्रोडक्ट था काइनेटिक की तरफ से, जिसको काइनेटिक इंजीनियरिंग ने हायोसेंग साउथ कोरियन कंपनी के कोलैबोरेशन में बनाया था, और इस बाइक में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा गया था वो अपने कंपटीशन से काफी आगे थी। इसमें 165.1 सीसी का 4 वाल 4 स्ट्रोक इंजन था, और ये इंडिया का सबसे पहला 4 वाल इंजन था। इस इंजन से ये बाइक प्रोड्यूस करती थी 14.8 PS की पावर और 13.7 न्यूटन मीटर की टॉर्क, और इसके 2 वर्जन आते थे, एक नेकेड और दूसरा फेयरिंग वाला वर्जन। दोनों में सेम इंजन और स्पेक्स थे, सिर्फ बॉडी और स्टाइल का फर्क था। नंबर 2, GF125। काइनेटिक GF125 स्ट्रिप डाउन वर्जन ही था GF170 का, क्योंकि इसमें भी वही सेम हायोसेंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था, यानी 4 वाल्व टेक्नोलॉजी, और फ्रंट डिस्क ब्रेक भी मिलते थे, और बॉडी डिजाइन भी वैसा ही था, सिर्फ इसमें 125 सीसी का स्मॉलर इंजन था जो 12.2 PS की पावर और 12.8 न्यूटन मीटर की टॉर्क रिलीज करता था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऑटो फिक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। और कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन कौन सी काइनेटिक की बाइक्स को रिमेम्बर करते हैं या फिर वो आपके पास रही हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।